बीच चल रहा सीमा विवाद, 50 साल बाद सुलझा विवाद, अमित शाह ने बताया इतिहास। डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया बयान, कहा यूपी में बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम समाज अपनी भूल सुधारे। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दिया बयान, किसानों से कहा बिना बाधा के बिजली ना मिले तो बिल का भुगतान नहीं करें। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सीएम धामी ने सदन में पेश किया लेखानुदान, विपक्ष ने बताया लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद आज सुलझ गया है। दोनों ही राज्यों के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए हैं। असम मेघालय के बीच 12 जगह सीमा पर विवाद है। पहले चरण में 6 विवादित सीमा स्थल को सुलझा लिया गया, जबकि दूसरे चरण में बाकी के 6 जगह पर जल्द ही हस्ताक्षर होगा। अमित शाह ने समझौते को ऐतिहासिक बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज का दिन एक विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहां के सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए गए। असम सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारी, आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। मैं उसका साक्षी हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2019 से गृहमंत्री के रूप में। आज मुझे ठीक याद है 2019 के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब प्रधानमंत्री जी के पास गया था तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कहा कि बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम समाज अपनी भूल सुधारे। सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर विधानसभा चुनाव में विलीभगत करने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि इन पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आतंक और डर का माहौल बनाया। ट्वीट में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत जाहिर है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम कराकर यहां डर और आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ और उसने सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की है। इस भूल को सुधार कर ही बीजेपी को यहां हराना संभव हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किसानों से अपील की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार गर्मी के मौसम में लगातार बिना बाधा के बिजली आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहती है तो वो अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करे। आप नेताओं ने यह भी घोषणा की कि अगर राज्य सरकार असंतुष्ट किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम करेंगे। अहमदाबाद में आप कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में किसान कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता सागर रबारी ने कहा कि मैं गुजरात के किसानों से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने का आह्वान करता हूँ जब तक कि राज्य सरकार बिजली की निर्बोध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करती। किसानों को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों को गाँव या खेत में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन लेखा अनुदान पेश होने के साथ साथ विपक्ष के हमलावर तेवरों के नाम रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने को लेकर विपक्ष ने पीठ से मांग की, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर 4 महीने के लिए लेखा अनुदान पेश किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले ही सदन के पटल पर लेखा अनुदान प्रस्तुत करने पर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। सारी तैयारियां पूरी हैं और आज लेखानुदान जो बना है वो आज विधानसभा में प्रस्तुत होना है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय का अभी अभिभाषण होगा, उसके बाद शाम को लेखानुदान प्रस्तुत होगा। सर, पहली बार नेता विपक्ष नहीं होंगे, आपको नहीं लगता है कि आप सतह पर दिखने लगी है विपक्ष की चीजें? अभी चलाएंगे हम लोग, सब लोगों को मिला जुला के पक्ष विपक्ष सब मिलकर चलाएंगे। मैंने कहा ना कि अभिभाषण सरकार का दस्तावेज माना जाता है और अभी तक जो भी योजनाएं गतिमान हैं, जो संभावित हैं, उन सभी चीज़ों पे इस भाषण में उसका जिक्र किया गया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी ढंग से जिस प्रकार से अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने विषय रखा, तो हमारी सरकार की जो मंशा है, जो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वंचितों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के रोज़गार के लिए हो, और फिर चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी बिंदुओं पे सरकार की मंशा इसमें साफ झलकती है और आने वाले टाइम पे आपका और पूरी विषय को जिस प्रकार से सरकार का ये कार्यकाल आज से के रूप में वो आपको देखने को मिलेगा। ये कार्य मंत्रणा की बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक में, कार्य मंत्रणा में जो लोग उपस्थित होते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो नियमों की हत्या करने का काम करें, ये अधिकार नहीं है। कार्य मंत्रणा में हम नहीं थे और आप सबको पता है कि कार्य मंत्रणा में हम उपस्थित नहीं हो सकते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ, इसलिए जो है हम कार्य मंत्रणा की बैठक में नहीं थे। लेकिन सदन के अंदर जब हमने देखा कि सत्ता पक्ष जो है हठधर्मिता पर है और लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, तो इसलिए हमने व्यवस्था के रूप में इस प्रश्न को उठाया था। खास तौर पर हरिद्वार ग्रामीण में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत अत्यधिक हो रहा है और मैं तो ये कहूंगी आज आप सबके माध्यम से कि ये राज्य जो है, सब कहते हैं कि हमारी मातृशक्ति की अग्रणी भूमिका रही इस राज्य को प्राप्त करने में, हमारी पहली नवनिर्वाचित महिला विधानसभा अध्यक्ष भी बनी, हम सबने सराहा, कांग्रेस ने सभी ने इसमें सराहा, लेकिन एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में एक महिला विधायक के रूप में बैठी है, कार्य करना चाहती है और उसको इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उसको धरने पर बैठना पड़ रहा है, उसको खाने चौकी के बाहर बैठना पड़ रहा है अपने लोगों की और क्षेत्र की अनदेखी को देखते हुए। और इसी में अगर मैं कहूं तो लगातार हरिद्वार ग्रामीण में बिजली कटौती बहुत उससे की जा रही है, शाम के वक्त की जा रही है, एग्जाम का समय है, बच्चों के कॉल आ रहे हैं मुझे कि दीदी हम पढ़ाई कैसे करें, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, शाम को 7-8 बजे बिजली चली जाती है, 3-3 बजे तक बिजली नहीं आ रही है, तो हर तरीके से मेरे क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, तो उसमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक क्षेत्र विधायक होने के नाते मेरा क्या काम है? मेरा काम है कि उन मुद्दों को उठाऊं, उनके लिए बात करूं और अगर अनदेखी की जाती है, अनसुनी की जाती है तो मेरे धरना हो या कोई और माध्यम हो उसमें बैठना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर काम किया जा रहा है। यूपी विधानसभा में गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनके भाई सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे शोएब अंसारी ने विधायक के रूप में शपथ ली। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली थी। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को निर्विरोध यूपी विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया।
संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाने में दारोगा की तरफ से मंदबुद्धि की पिटाई का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि खाकी पहने दारोगा ने एक मंदबुद्धि को पकड़कर जमीन पर घसीट लिया। यही नहीं, दारोगा ने मंदबुद्धि को जूते की नोक से ठोकर भी रसीद की। दारोगा का शबना का नाम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत एक नौटंकी के प्रोग्राम के दौरान एक पुलिसकर्मी को किसी व्यक्ति को घसीटते हुए व उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। क्षेत्राधिकारी चंदौसी को इस पूरे मामले की जांच दी गई है कि क्या घटनाक्रम है और उसमें शामिल पुलिसकर्मी कौन है, इनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। संभल शहर इलाके में एक शिक्षिका को अधिकारियों ने सस्पेंड किया था। सस्पेंशन से बहाली के बाद शिक्षिका अपने बकाया आधे वेतन को लेने के लिए नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंची। आरोप के अनुसार बकाया वेतन को एरियर के रूप में वापसी के लिए शिक्षा अधिकारी ऑफिस के बाबू ने 70,000 रुपये मांगे। शिक्षिका ने अपनी सस्पेंशन से पैसा आर्थिक तंगी की मजबूरी बताया, मगर रिश्वत में ABSA समेत अधिकारियों के हिस्से बताकर बाबू की तरफ से 30,000 वसूली का आरोप है। रिश्वत देने के 3 महीने बाद भी जब शिक्षिका को एरियर नहीं मिला, तब उसने रिश्वत वसूली का ऑडियो वायरल कर दिया। जी, यहाँ शाहिन सुताना जो है सहायक अध्यापक है तीमदास राय प्राथमिक में, वो यहाँ ऑफिस वर्क है, सभी लोग आते हैं और कोई भी आदमी कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, मगर ऐसा है वो आई थी यहाँ, जब बहाल होने के बाद आई थी कि अपने एरियर से प्रकरण के लिए बात कर रही थी। हमने उनसे कहा कि हम जो हैं इसके पटल नहीं हैं, इसके पटल श्री हरवीर सिंह वरिष्ठ लिपिक कार्यालय नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र संभल हैं और वो वहाँ जाएं, हमने उनसे ये कहा, तो मगर वो यही कह रहे हैं कि आप जो हैं यहीं से हमारा एरियर निकालिए। हमने उन्हें मना कर दिया। वो आती हैं, थोड़े दिमाग से कम भी हैं, उन्हें इस बात पे लोगों को बदतमीजी भी बोलती हैं, तो हम उनसे कम ही बात करना पसंद करते हैं। और वो ऑफिस के कोई भी आता है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सर, ये जैसे हमें आधी तनख्वाह मिलती है सस्पेंड होने के बाद, आधी तनख्वाह में बाद में मिलती है, तो उसके लिए मतलब एरियर बनता है, तो वो एरियर बनवाया था 3,47,000 का, तो मैडम ने उस पे पैसे मेरे चले गए। 70,000 से बात शुरू हुई थी लेकिन 30,000 पे बात आके ठहरी। किसने बात की थी पैसों की? ये हमारे वहाँ के बाबू ने, जाहिद भाई ने। ये जाहिद कौन है और कहाँ पे तैनात हैं? ये मृतक आश्रित में है और नगर शिक्षा संसाधन केंद्र URC पर तैनात हैं। कहाँ पर है ये? ये जामा मस्जिद के सामने है, संभल में। संभल में? अच्छा, ठीक है। तो किस बात के पैसे मांगे थे इन्होंने? इस बात के कि मतलब एरियर बन रहा है आपका, तो मतलब ये है कि इसके पैसे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं, तो 70,000 से बात शुरू हुई। 70,000 से मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो अभी बहाल होकर निपटी हूँ और भी पैसे हैं अभी नहीं मेरे पास, मुझे इंतजाम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो मैंने बहुत मुश्किल से इंतजाम किया पैसों का, 30,000 रुपये पे बात ठहरी, हो गई, बस सारा काम हो गया मैडम साइन करके। जब मैं बस मैडम कौन है? ये शशि वाला मैडम। ये कौन थी, कौन है? ये खंड शिक्षा अधिकारी थी यहाँ की, पहले थी या पहले थी? तो मतलब मैं यहाँ जामा मस्जिद से वहाँ गई हूँ, क्या नाम है उसका ब्लॉक, ये जो है बाजार में यहाँ हरबीर बाबू वाला ऑफिस जो है, यहाँ पर गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम तो चली गई और तुम पैसे दिए ही उनको, तुम्हारा एरियर अब कैसे आएगा? मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, पैसे दे के मैडम पैसे लेके नहीं गई, चली गई, कोई बात नहीं है, लेकिन साइन करके गई है वो और एरियर का बिल बना के गई है, तो एरियर तो मेरा आ जाएगा। तो बोले कि नहीं मतलब तुम्हें पक्का यकीन आ जाएगा? मैंने कहा हाँ सर आ जाएगा, पैसे लेके तो आ जाए, सब काम जब हो रहा है तो पैसे लेके ये भी आ जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो देख लो तुम्हारी मर्जी है भैया जैसे भी। मैंने कहा सर वैसे भी मैं तो दिया ही अब। तो बोले अच्छा, तो फिर मतलब सैलरी एक आ गई, दूसरी भी इस बार, और सर आज तक भी एरियर का पता नहीं। सिद्धार्थनगर के लोटन थाना क्षेत्र में एक घर में कुछ दबंगों की तरफ से घुसकर तोड़फोड़ करने और घरवालों को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित घरवालों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके घर में घुसकर उनकी ना मौजूदगी में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को अपशब्द कहते हुए मारा पीटा, साथ ही अलमारी तोड़कर घर में रखे कैश और जेवर भी लेकर भाग गए। इस घटना के बारे में सदर सर्कल के CEO प्रदीप यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों तरफ से तहरीर लेकर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी।
जो उसमें सर मामला यह है कि इन लोगों की आदत है इस बार जो वर्तमान प्रधान हुए हैं कि जो गरीब निचले तबके के लोग हैं उनको ऐसे रुपया दे करके आगे करते हैं, फिर उन्हीं को मोहरा बना करके उन्हीं के कंधे पर रह करके बंदूक, ये संभव है? इस इलाके का क्या कोई अकलमंद बुद्धिजीवी सोच ही नहीं सकता कि हम लोग और एक मांगने वाले उन लोगों के ऊपर किसी तरह का वार करें? और जबकि मैं था भी नहीं, जबकि मैं था भी नहीं, पूरी तरह से है, मैंने एसओ सर को अपना करंट लोकेशन भी भेज दिया था। आप आपके भाई पे और आपके जो भी साथ के लोग हैं, आपके भतीजों के सब पे आरोप लग रहा है कि लोगों ने मारा पीटा? नहीं सर, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति सेकी जा रही है और राजनीति यह है कि उन गरीबों को मोहरा बनाया जा रहा है और बाकी पीछे जो लोग वही पूरी तरह से मामले को गरमा रहे हैं। मेरे घर पे जो तोड़फोड़ चोरी हुई है उसी मामले को दबाने के लिए ये नई रणनीति ये लोग बना रहे हैं। सर क्या वजह है कि एक भीख मांगने वाला आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है? अब उनको तो पैसे चाहिए, पैसा दे करके उसके बाद उनको आगे किया गया कि हम लोग आगे आएंगे तो शायद हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, कुछ गरीबों को साथ में लेकर के इस तरह की बात कीजिए, जो एक पागल आदमी नहीं सोच सकता उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये कैसे संभव सर? इस पूरी घटना का आरोपी आप किसे मान रहे हैं? इस पूरे घटना का आरोपी वर्तमान प्रधान है और वर्तमान के प्रधान के साथ एक नियाज खान है, हिफ्जुर रहमान खान है, नदीम अरशद हैं और सरफराज हैं, शहजाद हैं और इसी तरह से जियाउर रहमान हैं और रिजाउल्ला हैं और एजाज हैं, हनीफ हैं, यही सारे लोग आ करके और वसीम हैं, यही सारे लोग मेरे घर में भी आ करके तोड़फोड़ किए जिसकी तहरीर मैंने दी थी। सर थाना लोटन के गांव भिपरा के अंतर्गत दो पक्षों के मध्य कल पुरानी रंजीत और पुराने मुकदमेबाजी को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तारीख के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो विधानसभा चुनाव के दौरान बंद पड़ी मझौला सहकारी चीनी मिल बड़ा मुद्दा रही। इस बार के चुनाव में भी सदर विधायक संजय सिंह गंगवार के आखिरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझौला चीनी मिल को हर हाल में चालू कराने की घोषणा खुले मन से की है। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को गन्ना विकास और चीनी मिल विभाग का कार्यभार सौंपा गया। ऐसे में मझौला चीनी मिल के चालू होने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ रही हैं। दिनेशपुर के दुर्गापुर स्थित जग्गा पैकेजिंग फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से लाखों रुपए की मशीनरी और सामान जलकर राख हो गए। वहीं बड़ी मुश्किल के साथ स्थानीय लोगों के अलावा फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग को काबू पाया। फिलहाल लगने के कारण जो है वो पता नहीं चल पाए हैं। तो दिनेशपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। भैया जी, मैं उठा 7:55 पे, मैं 8 बजे के करीब उठा तो मैं गेट से बाहर आया, चाचा वहाँ खेत में धान लगा रहे थे। मैंने पीछे देखा धुआं ही धुआं निकल रहा है। मैंने जितने छोटे भाई को फ़ोन किया वो कह रहा है, उसने कहा, कह रहा आग लग गई। मैं उधर से भाग के इधर आया तब तक वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया था सारा काम। यहाँ पे दोनों के दोनों गोदाम में वहाँ पे इंक केमिकल जो भी टोटल केमिकल बीच वाले उसमें रखा जाता था। किसान बाहुल्य क्षेत्र भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर किसान भरे हुए हैं। गर्मी का मौसम है और इस समय गेहूँ लगभग पकने को तैयार है, तो इस तरीके की आग की घटनाएं हर साल प्रतिवर्ष कह रहे तो कम से कम ना हो 30-40 एकड़ यहाँ पर स्वाहा हो ही जाता है आग लगने की वजह से। सूचना लगभग 8 बजे मिली हम लोगों को। इस पर जो है फायर स्टेशन रुद्रपुर से 2 गाड़ियाँ तुरंत रवाना की गई, फायर स्टेशन पंतनगर से, और फिर हम प्राइवेट इंडस्ट्री, चूँकि यहाँ नज़दीक अशोका लैंड है उसको बताया, टाटा मोटर्स को और बजाज इंडस्ट्रीज को, इनसे एक एक गाड़ियाँ लिए और उसे जो फायर फाइटिंग किए। पहले इनके यहाँ जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है इन्होंने उससे ट्राई किया, जब हम लोग पहुँचे हैं तब तक ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हुई चूँकि उसमें केमिकल था, जो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल में जो केमिकल यूज होता है उसमें जब आग पकड़ ली तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई। उसको एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने में हम लोगों को जो है फोम कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ा, फोम डालने के बाद ही कंट्रोल में आई है। कार को बिजली के चक्कर में लगी, कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे लगभग, 8 बजे। कितना नुकसान? अब तो देखना पड़ेगा, मशीनों सारी जल गई हैं और सब होल जल गए हैं। वो तो शुक्र है हमने पानी का ये प्लांट लगा रखा है जिसमें 50,000 लीटर पानी होता है। हमारा पानी ना होता तो आज हमें बहुत
ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? जैका पैकिंग, ये जो पैकिंग मसाले की पैकिंग बनती है। लगभग फिर भी अनुमान कितना नुकसान? तो देख के पता चलेगा क्या नुकसान है। श्रीनगर के वीरचंद सिंह गढ़वाली रोड स्थित एक साड़ी की दुकान पर एक महिला ने बड़े शातिर अंदाज से दुकान में रखी साड़ियों पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार महिला को साड़ियां दिखाने में उलझा रहा और महिला ने चुपके से दुकान में रखी 3 साड़ियों को अपने बैग में रख लिया और वहां से फरार हो गई। जब दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने दुकान में लगी सीसीटीवी की फुटेज चेक की। फुटेज में महिला की तरफ से चोरी की पूरी घटना रिकॉर्ड की गई। वहीं अब महिला की तरफ से चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि अभी तक दुकान के मालिक की तरफ से पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई। नैनीताल की झील में एक युवक का शव मिला जिसकी शिनाख्त राजस्थान भरतपुर निवासी संजय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तल्लीताल थाना अध्यक्ष रोहिताश सिंह सागर ने बताया युवक का नाम संजय है जो राजस्थान भरतपुर से नैनीताल आया था। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगला सुंदर और बेरई के बीच नाले के पास एक महिला का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ अनिवेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस नगला सुंदर तो बेरई शिकोहाबाद के बीच में एक महिला का शव प्राप्त हुआ और शव को निरीक्षण करने के बाद ये लगा कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और शायद ऑपरेशन में इसकी डेथ हो गई थी। घर वालों ने यहाँ देख के चले गए, संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। हम बाकी तथ्यों के निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में आज द कश्मीर फाइल फिल्म देखने की पहल शुरू हुई। इस फिल्म को लेकर गोरखपुर के एक टॉकीज ने पहल शुरू की है जिसके तहत जिले के एक टॉकीज में हर पुलिसकर्मी द कश्मीर फाइल फिल्म को देख जाएगा। इसके साथ इसे फ्री में इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं फिल्म देखकर बाहर निकले पुलिसकर्मियों की माने तो फिल्म बहुत अच्छी है और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। बहुत अच्छी मूवी रही, हमें काफ़ी समय बहुत अच्छी मूवी देखने मिली और जो दिखा मूवी हमने देखा भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्त नहीं होनी चाहिए। हम माननीय अपने अधिकारी को देखकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें ऐसी मूवी दिखाई गई। कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो कि हमारे हिसाब से हर व्यक्ति को, खासकर हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये पिक्चर देखनी चाहिए। इसमें वो दर्दनाक सीने दिखाई गई है, जो सच्चाई दिखाई गई है, जो 1990 में कश्मीर में घटना घटित हुई और वहाँ तक 4 दिन तक जो सरकार विहीन वो प्रदेश था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और कश्मीरी पंडितों पे किस तरह अत्याचार हुआ है वो इस फिल्म में दर्शाया गया। अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हमारे समाज में ऐसी फिल्में आई हैं और इसी समाज की जो दायित्व निभाते हुए आज हम लोगों ने सारे पुलिस कर्मियों को फ्री में ये शो कराया है, उपलब्ध कराया और पिक्चर दिखा रहे हैं और कोशिश है कि एक दो दिन में सारे पूरे प्रदेश से मंडल के सभी पुलिस फोर्स को पिक्चर दिखाएंगे। तो ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए और बनती रहें तो अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। जी फिल्म एंटरटेनमेंट और बहुत बढ़िया थी, सभी को देखना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसमें क्या चीज़ ऐसा लगा जो दिल को छू रहा? हर एक पहले दिल छू लेने वाला था, बाकी लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। भाई मूवी बहुत बढ़िया है, सभी देखनी चाहिए। सर इसको मूवी ना कहकर सच्ची घटना कहा जाए तो ज्यादा ये मतलब जी हम तो एंटरटेनमेंट पर्पस कहेंगे, हम बनी है तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनती है। हमीरपुर के लाट कोतवाली क्षेत्र के चौबट्टा इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी कर ली तो वहीं मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद बाइक मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। जौनपुर में एसिड अटैक से घायल महिला की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद देर शाम महिला का शव उसके घर लाया गया। वहीं घर पर महिला का शव पहुंचने पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आ जाता वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जिसके बाद एसडीएम मछली शहर ज्योति सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।